अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस पार्षद भी गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 बड़े मीट व्यापारी भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 10 लाख की नकदी सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित मीट के साथ सैकड़ों की संख्या में जिंदा पशु भी बरामद किए हैं। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने इस पर सख्ती करी है, क्योंकि कुछ सूचनाएँ हमें मिली थी और डेवलप करने पर जनपद में नवागंतुक 2 ASP साहब जो आए हैं उनको ये टास्क दिया गया। और थाना गल शहीद क्षेत्र में एक हाथे में जब हम लोगों ने छापा डाला है तड़के, तो वहाँ पर हम लोगों को करीब 10 लाख रुपए कैश और 8-9 गाड़ियाँ, जानवर, और वहाँ पर अवैध स्लॉटरिंग होते हुए पाया गया। और उस संबंध में करीब 40 से अधिक लोगों को वहाँ मौके से गिरफ्तार करके ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पीछे जो लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। 3 और गाड़ियाँ अभी चिन्हित कर ली गई हैं जिनके ड्राइवर मौके से चले गए थे, उन गाड़ियों को थाने लाया जा रहा है। सभी के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई कांग्रेस के नेता भी हैं पार्षद जो भी हैं? अभी 2 दिन पहले भी इसी तरीके की एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसी से हमको हिंट मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आसपास इस प्रकार की कोई गतिविधि चल रही हो। उसका इंटेलिजेंस डेवलप करके कल रात में ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो प्रतिबंधित पशु का मांस मिला है या अवैध पशु कटान है? प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित पशु का नहीं है वो, और एक मामले में हमने पैनल ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स से उसका एग्जामिनेशन भी करा लिया जो प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं है, लेकिन चूंकि कटान अपने आप में प्रतिबंधित है, अवैध कटान है, तो उस पर सभी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।